नमस्कार, वीनूस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कैरेमल पुडिंग। कैरेमल पुडिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री 200 ml दूध, 3 से 4 चम्मच चाइना ग्रास या जिलेटिन। चाइना ग्रास इस तरह का होता है, अगर चाइना ग्रास नहीं मिले तो आप जिलेटिन भी डाल सकते हैं। फ्रेश क्रीम 3 से 4 चम्मच। कैरेमल बनाने के लिए 3 से 4 चम्मच शुगर, 1 चम्मच वेनिला एसेंस। चलिए बनाते हैं कैरेमल पुडिंग। सबसे पहले मीडियम फ्लेम पर हम 200 ml दूध डालेंगे जो हमने लिया है। इसे एक उबाल आने तक गर्म करेंगे। अभी देखिए ये दूध का उबाल आ चुका है, इसके अंदर मैं ये फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। क्रीम को हम जब तक करेंगे जब तक ये मेल्ट अच्छी तरह हो जाए, इसके अंदर दूध के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब देखिए ये दूध और क्रीम अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं और हमारी क्रीम अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। अब मैं जो ये चाइना ग्रास लिया है वो इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। चाइना ग्रास मैंने वेनिला एसेंस वाला लिया है, वेनिला वाला लिया है फ्लेवर। इसके अलावा भी आप दूसरा फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी शुगर होती है इसलिए मैं इसमें शुगर नहीं मिक्स कर रही हूँ। चाइना ग्रास अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, इसके अंदर मैं एक चम्मच वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। वेनिला एसेंस डालने के बाद हमें ज्यादा से ज्यादा एक मिनट के अंदर इसको गैस को बंद कर देना है। ये जो बबल्स हैं इसको थोड़ा साइड में कर दीजिएगा। अब ये पुडिंग का मिक्सचर बन चुका है। दूसरी साइड में कैरेमल की तैयारी करूंगी और गैस बंद कर रही हूँ। अब मैं लो फ्लेम के अंदर फ्राई पैन पर ये जो मैंने शुगर लिए 3 से 4 चम्मच इसे कैरेमल करूंगी। इसे हमें तब तक चलाना है जब तक कि शुगर हमारी मेल्ट नहीं हो जाती। देखिए हमारी शुगर मेल्ट होने लगी है, इसे मेरे को ब्राउन करना है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ज़्यादा भी नहीं हो क्योंकि नहीं तो कड़वाहट का टेस्ट आएगा आपको। अभी मेल्ट की हुई कैरेमल को मैं इस बाउल्स के अंदर डाल रही हूँ। अभी जो पुडिंग का मैंने मिक्सचर बनाया है वो मैं इस कैरेमल के अंदर डालूंगी। उसे तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में जमने के लिए रख दूंगी। मिनट हो चुके हैं, हमारा पुडिंग सेट हो गया होगा। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा पुडिंग कितनी अच्छी तरह सेट हो चुका है। वाओ, हमारा पुडिंग गार्निशिंग के बाद कितना अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बड़ी आसानी से बन जाता है। इसे आप जरूर बनाइए। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स पर जाकर मुझसे पूछ भी सकते हैं। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक एंजॉय कुकिंग। Okay, bye.